हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर रियल नंबर्स का। कल हमने रेशनल नंबर्स पे छोड़ा था लेक्चर को। स्टूडेंट्स, जो कल आपको वीडियो दिया था उसके नीचे जो नोट्स थे वो आपको अपनी फेयर कॉपी में राइट डाउन करना था और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी थी। अब जो आज का वीडियो रहेगा वो आपको देखना है, उसके बाद जो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है वो फेयर कॉपी में करनी है और जो एक फाइल रहेगा पीडीएफ नोट्स का वो भी आपको फेयर कॉपी में जो इम्पोर्टेंट नोट्स है हेडलाइंस वो उसमें से लिखने हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इरेशनल नंबर्स। अभी रेशनल नंबर्स नाम से लग रहा है कि जो रेशनल नंबर का उल्टा हो, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर का उल्टा मतलब इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है डेसिमल के बाद, मतलब डेसिमल के बाद खत्म नहीं होता, चलता ही रहता है, और नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब उसमें कोई एक पैटर्न नहीं होता। जैसे हम एक रेशनल नंबर देखें 0.66666, ये 6 ही चला जा रहा है इन्फिनिटी तक, पर अगर हम इरेशनल नंबर्स को देखेंगे तो 1.234678 जैसे इस एग्जांपल में है वो रिपीट नहीं हो रहा है 0.6 जैसे, तो ये डिफरेंस है। तो दो चीजें हो गई, इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और सेकंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो डेसिमल के बाद कोई भी अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग होगा वो इरेशनल नंबर होगा। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे 0.20 200 34, ऐसा कुछ भी रैंडम, या फिर 0.131 2354 so on। ये कुछ इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल हो गए। अब इरेशनल नंबर्स का एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर कोई नंबर पॉजिटिव स्क्वायर होता है, जैसे 25, ये एक होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर होता है 5, या फिर हम देखें स्क्वायर रूट ऑफ 9 जिसका, ये परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, पर जिसका हम स्क्वायर रूट सीधे नहीं निकाल सकते, जैसे कि प्राइम नंबर √2 √3। √2 क्या होता है, डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, उसको निकाल ही सकते हैं हम मेथड से। तो ऐसा नंबर इरेशनल नंबर होता है। जब आप √2 निकालेंगे तो वो कुछ 1.414 आएगा जो कि चलता रहेगा। तो ये इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट टाइप हमने देखा कि वो डेसिमल जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है वो तो है ही। उसके बाद अगर ऐसा नंबर जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है वो भी इरेशनल नंबर होता है, या फिर ऐसा नंबर जिसका हम क्यूब रूट निकालते हैं, तो अगर कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है तो वो भी इरेशनल नंबर होगा। जैसे हम 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 3 3s are 9 and 9 3s are 27, तो इसका क्यूब रूट होगा 3।
पर अगर कोई नंबर जिसका कोई क्यूब रूट नहीं है, जैसे कि टू, टू का कोई क्यूब रूट नहीं है परफेक्ट, तो वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इरेशनल नंबर्स के। तो हम एक सम देखते हैं। सम के पहले हमें एक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है कि जैसे अगर कोई प्राइम नंबर है पी, अगर पी कोई प्राइम नंबर है और ए कोई इंटीजर है पॉजिटिव, प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ वन और खुद से डिवाइड होता है। पी प्राइम नंबर है और ए पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब ए स्क्वायर को जब हम पी से डिवाइड करेंगे तो वो परफेक्टली डिवाइड होगा, तो फिर वो ए को भी डिवाइड करेगा। मतलब जब ए को पी से डिवाइड करेंगे तो वो भी परफेक्टली डिवाइड होगा। तो ये एक थ्योरम है जो कि हमको सम में काम आएगी। ये थ्योरम ऐसे लिखना है और आपको ये कॉपी में नोट डाउन करना है अपनी फेयर कॉपी में। तो ये वो थ्योरम है जो आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन करनी है कि इफ पी इज अ प्राइम नंबर एंड ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पी एक प्राइम नंबर है एंड ए पॉजिटिव इंटीजर है, और पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे टू एक प्राइम नंबर है और टेन एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो टेन का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 100। 100 टू से डिवाइड होता है क्या? यस, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, और 10 भी 2 से डिवाइड होता है, अगर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो ये थ्योरम ऐसे यहाँ प्रूव होती है रियल एग्जाम्पल से भी। तो आप इस थ्योरम को नोट डाउन करेंगे। सब हम इस पे पहला सम देखते हैं, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि रूट टू इरेशनल है। हमने तो देख तो लिया ही है कि रूट टू इरेशनल है, पर अब उसको प्रूफ करते हैं। तो ये चीज प्रूफ करने के लिए हम ये करेंगे कि हम ये मानेंगे कि रूट टू रेशनल नंबर है और फिर उस चीज को गलत प्रूफ करेंगे। तो वो चीज गलत प्रूफ हो जाएगी, तो अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा कि रूट टू इरेशनल है। तो हमने माना लेट रूट टू बी इरेशनल, लेट टू रूट टू बी रेशनल। ये सही नहीं है, पर एक हम मान के चलेंगे कि रूट टू रेशनल है। तो रेशनल नंबर कौन सा होता है? जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये रेशनल नंबर होता है। मतलब हम रूट टू को भी ऐसे लिख सकते हैं अगर वो रेशनल होता। तो हमने लिखा रूट टू
इज इक्वल टू ए बाय बी, ठीक है, जहां पे ए और बी एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे, उनका वो सिर्फ दोनों वन से ही डिवाइड हो रहे हैं, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब उनको और कट नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने रूट इधर लिया, तो टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यहां पे रूट था, हमने इस साइड लिया तो इनका स्क्वायर हो गया, रूट हटाया तो रूट टू इज इक्वल टू, नाउ नेक्स्ट स्टेप बी को इधर लेंगे, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब यहां से ये दिख रहा है कि टू इंटू समथिंग ए स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब टू इंटू समथिंग ए स्क्वायर है, मतलब टू ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, सो टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। और हमने अभी पिछली थ्योरम में जो आपने नोट किया उसमें देखा कि अगर टू ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो टू ए को भी डिवाइड करेगा, ये हमने देखा अभी। तो हमने ये देख लिया कि ए अभी भी टू से डिविजिबल है, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि बी भी टू से डिविजिबल है। अगर हमने वो प्रूफ कर दिया तो जो हमने फर्स्ट प्लेस में माना है कि ए और बी किसी से डिविजिबल नहीं है वो गलत हो जाएगा, मतलब हमने ये जो माना वो भी गलत हो जाएगा और रूट टू इरेशनल प्रूफ होगा। तो अब कैसे प्रूफ करेंगे, अब बी के लिए हम ये देखेंगे, हमने हमें पता है कि रूट टू ए को डिवाइड करता है, टू ए को डिवाइड करता है, तो हमने माना कि टू इंटू समथिंग सी इज इक्वल टू ए। जब टू ए को डिवाइड करता है तो टू इंटू समथिंग करेंगे तो ए आएगा, तो हमने वो मान लिया। जो हमारी पहली क्वेश्चन थी कौन सी वाली, कि टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो मैंने अभी रब करी उस पर हम ये वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू टू सी है तो आई टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी का स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर, ठीक है, ये टू कटा, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू सी स्क्वायर। अब हम ये देख सकते हैं कि बी स्क्वायर भी है टू इंटू समथिंग, टू को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आ रहा है, मतलब टू बी स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, टू डिवाइड्स बी स्क्वायर। अब हमने फिर से पिछले थ्योरम पे जाएंगे, तो अगर टू बी स्क्वायर को डिवाइड करता है सो टू डिवाइड्स बी, ओके सो ये हमने देखा कि टू ए को भी डिवाइड कर रहा है सो टू बी को भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए जो हमने माना था शुरू में कि ए और बी दो को कोई भी डिवाइड नहीं कर रहा है, इसे वन डिवाइड कर रहा है, वो प्रूफ रॉन्ग हो गया, ठीक है। सो ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर टू, मतलब ए और बी को दोनों को टू डिवाइड कर रहा है, तो ये मतलब गलत प्रूफ हो गया। सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब अजम्पशन मतलब हमने जो माना था पहले कि वो डिवाइड नहीं करेंगे वो रॉन्ग है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया कि टू रेशनल है, देयरफॉर रूट टू इज इरेशनल।